हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल BHU पार्ट साला नेहा दिस साइड। आपका CUT का एग्ज़ाम हो गया है और फाइनली उसका रिजल्ट भी डिक्लेयर कर दिया गया है। नाउ नेक्स्ट स्टेप आपका है यूनिवर्सिटी में आपकी काउंसलिंग होना। काउंसलिंग के टाइम आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स का होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं रहते हैं तो आपकी काउंसलिंग रुक सकती है, आपका एडमिशन नहीं होगा फिर यूनिवर्सिटीज़ में। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की जो डॉक्यूमेंट्स आपकी काउंसलिंग के टाइम बहुत ही आवश्यक है आपके पास होना। और इस वीडियो में ही हम ये भी बात करेंगे कि हाँ, अगर आपके पास वो डॉक्यूमेंट्स नहीं है, अगर आप वो नहीं बनवा पा रहे हैं, इस केस में आप क्या इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे कि आपकी काउंसलिंग नहीं रुकेगी और सक्सेसफुली हो जाएगी। वीडियो लास्ट तक देखना है, बिल्कुल ध्यान से देखना है। इस वीडियो में मैं पर्टिकुलर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, आपने अगर किसी भी कोर्स के लिए अप्लाई किया है, BA, BSc, BCom, BLLB, किसी भी कोर्स के लिए अगर आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने जा रहे हैं तो काउंसलिंग के लिए आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए हम देखेंगे। आपका पहला डॉक्यूमेंट है, हाँ आप ध्यान रखिए कि ये डॉक्यूमेंट्स आप नोट कीजिए और इन डॉक्यूमेंट्स को बनवा लीजिए। ओके, आपका पहला डॉक्यूमेंट है CUET का एडमिट कार्ड। जब आप एंट्रेंस एग्ज़ाम देने जा रहे होंगे उसके ठीक पहले आपको एक एडमिट कार्ड मिला होगा जिसको लेकर आप एंट्रेंस एग्ज़ाम देने गए होंगे, वो एडमिट कार्ड आप अपने पास रख लीजिए। सेकंड, आपका CUET का स्कोर कार्ड। आपने जिस कोर्स के लिए भी अप्लाई किया है, अब आपका रिजल्ट आ गया है, उस रिज़ल्ट का, उस स्कोर कार्ड का आप एक प्रिंट कॉपी निकलवा कर अपने पास रख लीजिए। नाउ आपका इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है क्लास 10th और 12th का मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट। यस, क्लास 10th और 12th का मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। अगर आपने अभी तक अपने स्कूल से नहीं निकलवाया है तो आप अपने स्कूल से जाकर ले लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो आपके पास काउंसलिंग के टाइम होनी चाहिए, क्योंकि इसी डॉक्यूमेंट से आपकी डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई की जाती है और क्लास 12th आपका एलिजिबिलिटी है तो आपके पास होना चाहिए क्लास 10th और 12th का मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट। इसके बिना आपकी काउंसलिंग रुक सकती है, आप ध्यान दीजिए। ओके, नाउ आपके पास आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब देखिए, जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, यहाँ पे आप कंफ्यूज रहते हो। कास्ट सर्टिफिकेट OBC, EWS, SC, ST जो भी आपका है, ये सभी आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट आप बनवाओगे ये सेंट्रल लेवल का होना चाहिए। ध्यान दीजिए, सेंट्रल लेवल का आपको बनवाना है और आपका ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। आपको 31 मार्च 2022 के बाद का बनवा लेना है। अगर आपके पास है तो आप नया बनवा लीजिए 31 मार्च 2022 के बाद का। ओके, सेंट्रल लेवल का बनवाना है। अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है काउंसलिंग के टाइम तो आपकी काउंसलिंग नहीं रुकेगी, लेकिन आप ध्यान रखिए, अगर आपने CUET के फॉर्म में OBC, EWS, SC, ST आपने कोई भी कास्ट फिल किया है और आप काउंसलिंग के टाइम सर्टिफिकेट सबमिट नहीं करते हो तो आपको कोई भी रिजर्वेशन का फ़ायदा नहीं मिलेगा, आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। काउंसलिंग नहीं रुकेगी लेकिन आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, इसीलिए आप अपना सर्टिफिकेट बनवा लीजिए और उसको सबमिट करिए काउंसलिंग के टाइम, जिससे कि आपको रिजर्वेशन का फ़ायदा मिले। ओके, ध्यान रखेंगे ये बात। नाउ आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो हो जाता है वो है आपकी TC और माइग्रेशन। अब देखिए, यहाँ पर क्या होता है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं। कुछ स्कूल्स में क्या होता है कि आपको TC और माइग्रेशन एक ही मिलता है और कुछ स्कूल में अलग अलग मिलता है, अलग अलग पेजेस पर। तो आपको जिस फॉर्मेट में भी मिल रहा है आप लेकर रख लीजिए, लेकिन आपके पास TC और माइग्रेशन होनी चाहिए। ओके, आप अपने स्कूल से अपनी TC और माइग्रेशन लेकर रख लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं लिया है तो। अब कुछ बच्चे का क्या होता है कि वो किसी कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं, राइट, वहाँ पर आपने अपनी TC दे दी होगी या फिर आपकी TC गुम हो गई है। इस केस में आपको क्या करना है, आप पहले तो अपने कॉलेज में जाइए, वहाँ पर अगर आपने TC दी है तो वहाँ से आप अपनी TC मांग लीजिए। अगर आपको कॉलेज TC नहीं देता है फिर आप स्कूल में जाकर कॉन्टेक्ट कीजिए, वहाँ से आप अपनी नई TC बनवा लीजिए। अगर स्कूल भी TC नहीं बना रहा है इस केस में आप क्या करेंगे, आपके पास काउंसलिंग टाइम एक प्रूफ होना चाहिए, इसीलिए आप अपना एफिडेविट अगर बनवा लेते हैं। एफिडेविट एक प्रूफ होता है, लिखा हुआ कि हाँ आपने इस स्कूल से पास किया है 12th, इस वर्ष आपने पास किया है, ये आपका एक एफिडेविट का फॉर्मेट होता है, इसमें आपको नीचे साइन करवाना होता है। तो ये आपका एफिडेविट एक प्रूफ आपके पास अगर रहता है तो आप काउंसलिंग टाइम सबमिट कर सकते हो। आपको वक्त दिया जाएगा, आप फिर आपके बाद में आप अपनी TC वहाँ पर सबमिट कर दीजिएगा। तो अगर आपके पास TC और माइग्रेशन नहीं है तो आप अगर एफिडेविट सबमिट करते हैं काउंसलिंग के टाइम तो आपकी काउंसलिंग नहीं रुकेगी, आपको थोड़ा सा वक्त दे दिया जाएगा, आप उसे बनवा कर सबमिट कर दीजिएगा। नाउ अंडरटेकिंग का भी फॉर्म होता है, ये लास्ट में वीडियो के डिस्कस करेंगे कि अंडरटेकिंग का फॉर्म कहाँ पर यूज़ किया जाता है और इसका क्या काम होता है। अभी हम डॉक्यूमेंट्स देख रहे हैं। उसके बाद आप अपना अगर डोमिसाइल बनवा लेते हैं, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, निवास प्रमाण पत्र बनवा लेते हैं, तो
आप सबमिट कीजिए। इससे क्या होता है कि ये आपका जब हॉस्टल आपको अलॉट हो रहा होता है तो इस डोमिसाइल सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग आपका डिस्टेंस देख करके आपको हॉस्टल अलॉट किया जाता है। तो ये डॉक्यूमेंट भी इम्पॉर्टेंट है, आप अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी बनवा लीजिए। यानी कि आपको आय जात निवास अगर मैं एक लाइन में बोलूँ तो आपको बनवा लेना है, इनकम कास्ट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको बनवा लेना है। ओके, अब देखिए यूनिवर्सिटी अपने अलग अलग इंस्ट्रक्शंस देती है तो आगे फर्दर अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे, लेकिन आप ये बनवा लीजिए। आप अपना आधार कार्ड, उसकी फ़ोटोकॉपी भी अपने पास रख लीजिए। आप अपनी पासपोर्ट साइज़ 20 फ़ोटोज़ अपने पास रख लीजिए, क्योंकि ये काउंसलिंग के टाइम आपको अलग अलग जगह आपको पेस्ट करनी होती है, तो आप अपनी पासपोर्ट साइज़ 20 फ़ोटोज़ भी रख लीजिए। ओके, अब फोटोज़ में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, जो आपने सिक्योरिटी के टाइम दी थी वही फ़ोटो होनी चाहिए या दूसरी फ़ोटो? तो देखिए आपका फेस दिख रहा हो कि हाँ आप वही हैं, ज़्यादा चेंज नहीं हो, और अगर आपने जो सिक्योरिटी के फॉर्म में लगाई है वो फ़ोटो आपके पास है तो बहुत ही अच्छी बात है। ओके, तो ये आपके डॉक्यूमेंट्स थे। अब मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ, इनमें से आपके कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हैं ये भी मैंने आपको बताया। सिक्योरिटी का एडमिट कार्ड, स्कोर कार्ड, आपका 10th और 12th का मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट आपके पास इंपॉर्टेंट है, होना चाहिए काउंसलिंग के टाइम। कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपके पास नहीं होता है तो काउंसलिंग नहीं रुकेगी, लेकिन रिजर्वेशन आपको नहीं मिलेगी। इनकम सर्टिफिकेट आपके पास इनकम सर्टिफिकेट आप बनवा लीजिए। अगर इनकम सर्टिफिकेट नहीं रहता है तो आपकी काउंसलिंग तो नहीं रुकेगी, लेकिन आपको किसी भी प्रकार का रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा इस फील्ड में। ओके, आप अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, और आपके पास टीसी और माइग्रेशन होना चाहिए। अगर आपके पास टीसी और माइग्रेशन नहीं है तो मैंने आपको बताया आप क्या क्या कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि ये डॉक्यूमेंट्स तो आपके इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए मैंने बताया, बट अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में आप एडमिशन के लिए, काउंसलिंग के लिए जा रहे हो तो ये डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर भी आपके यूज़ आएंगे, तो आप इन्हें बनवा कर रख लीजिए। ओके, फर्दर अपडेट्स जो भी आएंगे आपके डॉक्यूमेंट्स को लेकर के, वो हम आपको बताने के लिए यहाँ पर खड़े हैं, आपको हम टाइम टू टाइम अपडेट देते रहेंगे। अब यहाँ पे एक टॉपिक और मैं बात कर लेती हूँ कि देखिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के केस में क्या होता है कि आपका गैप ईयर होता है तो आपके मार्क्स डिडक्ट होते हैं। अब यहाँ पे आप परेशान रहते हो, सर मैम कितने मार्क्स डिडक्ट होंगे, कितने मार्क्स आपके कितने मार्क्स एक साल के डिडक्ट होंगे, कितने मार्क्स दो साल के डिडक्ट होंगे। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको समझाने वाली हैं, इसीलिए इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगी जिसमें मैं आपको बताऊँगी आपको कौन सा सर्टिफिकेट देना होता है, आपके कितने मार्क्स डिडक्ट होंगे या इस बार मार्क्स आपके डिडक्ट नहीं होंगे। जो भी अपडेट्स हैं वो थोड़ी मुझे समझानी पड़ेंगी, तो नेक्स्ट वीडियो सेपरेट वीडियो मैं इसके लिए बनाऊंगी। और हाँ, अभी देखिए आपका कट ऑफ स्टार्ट होने वाला है, तो जब कट ऑफ का राउंड चलेगा तो कब कौन सी कट ऑफ किस कोर्स की जारी हो रही है, इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, जिससे कि कोई भी नोटिफिकेशन मिस नहीं हो। क्योंकि जब कट ऑफ का राउंड चलेगा तो सबसे पहले आपके पास इंफॉर्मेशन ये चैनल आपको देगा, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि उस टाइम कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस नहीं होनी चाहिए। देखिए चैनल पर अभी आपका 100 के मिशन चल रहा है, हम चाहते हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि कोई भी नोटिफिकेशन मिस नहीं हो, हम आपका सपोर्ट करें, आप हमारा सपोर्ट कीजिए। ओके, और हाँ, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर डॉक्यूमेंट्स नहीं होते हैं तो आपकी काउंसलिंग रुक सकती है, इसीलिए इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, जिससे कि उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आए, वो भी अपना डॉक्यूमेंट्स काउंसलिंग तक बनवा कर रख लें। ओके, हेल्प करना अच्छी बात होती है। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।